आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। लॉकडाउन के दरमियान भिवंडी में आए लाखों मजदूरों को बस यही फिक्र थी कि हम अपने वतन कैसे लौट पाएंगे। आखिरकार उनका इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और आज भिवंडी में लॉकडाउन चालू रहते पहली बार एक स्पेशल ट्रेन भिवंडी टू गोरखपुर के लिए चलाई गई, जिसमें टोटल 1104 मुसाफिरों को बैठाकर उनके वतन रवाना किया गया। ये ट्रेन पहली बार अंजुर फाटा में मौजूद भिवंडी रेलवे स्टेशन से उत्तर प्रदेश के लिए चलाई गई, जहां पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए सभी मुसाफिरों को ट्रेन में बैठाया और उन्हें विदाई दी। ट्रेन में बैठकर लोगों ने हाथ हिलाकर लोगों को विदाई दी, जबकि कई लोगों के आंखों में आंसू तक देखने को मिले। इस तरह यूपी जाने वाले और कई ट्रेनें चलाने का अंदेशा है, जो उत्तर प्रदेश में कई शहरों में जाएगी। आज भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन से गोरखपुर के लिए एक स्पेशल ट्रेन जा रही है। सुबह 10 बजे हमें मालूमात मिली, जैसे ही मालूमात मिली हमने गोरखपुर के जो नागरिक है उनको मैसेज भेजा और उनका आधार कार्ड वेरीफाई करके जिनका गोरखपुर का ही एड्रेस है ऐसे लोगों की लिस्ट वगैरह बनाई, उनका महापालिका के डॉक्टर के पथकों से मेडिकल चेकअप किया। बाद में उनका जो यहाँ से 800 रुपये लगते हैं वो टिकट उनके टीम लीडर के थ्रू पैसा जमा करके टिकट बुकिंग वगैरह करवाया और अभी थोड़ी देर में बोर्डिंग खत्म होने के बाद में ये ट्रेन छूट जाएगी। ये 30 घंटे का जर्नी है, 800 रुपये टिकट है और 24 डिब्बों की गाड़ी है। हर डिब्बों में 54 लोग बैठते हैं, ऐसा 1200 लोगों को लेके ये गोरखपुर जाएगी। और भी ट्रेनें छूटने वाली है, इसलिए हम डाटा बना रहे हैं। हर स्टेट वाइज, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, पुलिस स्टेशन वाइज हमारा डाटा बन रहा है। जैसे ही डाटा बन जाता है हम आगे डिमांड भेजेंगे और वैसे स्पेशल ट्रेन्स बसेस यहाँ से छोड़ी जाएगी। आपके माध्यम से मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई गलत तरीके से फॉर्म भर के ले रहा है, लोगों के पैसे जमा कर रहा है, तो वो गलत है। उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई हो सकती है और जो लोग बिना वजह के इकट्ठा हो रहे, मान लो गोरखपुर ट्रेन है और बाकी जिलों के भी लोग इकट्ठा हो रहे, तो ऐसे लोगों को सख्त सूचनाएँ दी गई है, समय आने पे उनको ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। सर, इनके लिए कुछ खाने पीने की सुविधाएं रास्ते? खाने पीने के लिए महसूल विभाग की ओर से आज दोपहर में भी उनको लंच टिफिन दिया गया और अभी भी उनको फूड बॉक्सेस दिए गए हैं, पानी की बोतल दी गई है, सैनिटाइजर दिया गया है, मास्क, हैंड ग्लोव सभी का प्रावधान हो गया है, उनका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। डेस्टिनेशन की जगह पर भी दोबारा उनका स्क्रीनिंग होगा, ज़रूरत पड़ने पर वहाँ फिर आइसोलेशन या स्क्रीनिंग हो सकता है और वहाँ के एक्सेप्टेंस के बाद में ही उनको अपने अपने गाँव में वहाँ के प्रशासन के द्वारा भेजा जाएगा। ठीक है।